बेबी का मेकअप। बहुत समय पहले किसी शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में बेबी नाम की 7 साल की बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। बेबी की मम्मी बहुत सुंदर थी और वो बहुत अच्छा मेकअप भी करती थी। बेबी को अपनी मम्मी का मेकअप बहुत अच्छा लगता था। मम्मी को देखकर वो हमेशा सोचती थी कि मैं भी ऐसे मेकअप में कितनी अच्छी लगूंगी। एक बार उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं भी आपकी तरह मेकअप करना चाहती हूँ। इस पर मम्मी गुस्सा हो गई और डांटते हुए बोली, बेबी मेकअप बड़ों की चीज है, इसीलिए तुम मेकअप को कभी भी हाथ नहीं लगाओगी। मम्मी के ऐसा डांटने पर बेबी मान गई, लेकिन उसका ध्यान हमेशा मेकअप पर ही रहता था। एक दिन स्कूल में क्लास टीचर ने भी सभी बच्चों से कहा, कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, इसलिए सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आएंगे। कल मैं आपके पेरेंट्स को आपकी पढ़ाई की रिपोर्ट दूंगी। ये सुनकर बेबी बहुत खुश हुई। कल मैं अपनी मम्मी के साथ स्कूल आऊंगी। वो खुशी खुशी घर पहुंची और उसने टीचर की बात मम्मी को बताई। मम्मी टीचर ने कहा है कल स्कूल में पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग है, इसलिए आपको कल मेरे साथ स्कूल चलना होगा। वहाँ टीचर आपको मेरी पढ़ाई की रिपोर्ट्स देंगी। ठीक है बेबी, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल जरूर चलूंगी। उम्मीद है टीचर तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करेंगी। नहीं मम्मी, टीचर आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगी। अगले दिन बेबी सुबह जागकर जल्दी से तैयार होकर मम्मी के कमरे में गई। मम्मी आप तैयार हो गए? हाँ हाँ, बस मैं अभी तैयार हो रही हूँ। ये कहकर मम्मी ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर मेकअप करने लगी और हमेशा की तरह बेबी खुशी से मम्मी को मेकअप करते देखने लगी। मेकअप पूरा हो जाने पर मम्मी ने अपना हैंडबैग उठाया और वो दोनों स्कूल के लिए चल दिए। स्कूल पहुंचकर जैसे ही मम्मी और बेबी कुछ कदम स्कूल के अंदर गए, सभी बच्चे बेबी की मम्मी को टीचर समझकर गुड मॉर्निंग कहने लगे। गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर। लगता है ये सभी बच्चे मेरी मम्मी को टीचर समझ रहे हैं। समझे भी क्यों ना, मेरी मम्मी इतनी सुंदर जो लग रही है। वो दोनों कुछ कदम आगे चले तो एक दूसरी मम्मी अपने बच्चे के साथ उनके पास आई और बेबी की मम्मी से बोली, टीचर मैं बंटी की मम्मी हूँ, मुझे आपसे इसकी शिकायत करनी है। बेबी की मम्मी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह यहाँ अपनी बेटी की रिपोर्ट लेने आई हूँ। अच्छा, आपने इतना सुंदर मेकअप किया हुआ है, इसलिए मुझे लगा आप जरूर टीचर होंगी। ये कहकर बंटी की मम्मी बंटी को लेकर वहाँ से चली गई। बेबी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद बेबी मम्मी को लेकर सीधे अपने टीचर के पास पहुँची। टीचर को भी मम्मी का मेकअप बहुत अच्छा लगा, वो भी उनके मेकअप की बात करने लगी। बेबी की मम्मी आप तो इस मेकअप में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। और बेबी की रिपोर्ट्स की बात करना भूल गई। तभी बेबी ने उन्हें याद दिलाया, टीचर आप मम्मी को मेरी रिपोर्ट्स देना तो भूल ही गए। हाँ याद आया, आइए मैं आपको बेबी की पढ़ाई की रिपोर्ट देती हूँ। इसके बाद टीचर ने मम्मी को बेबी की रिपोर्ट दी और वो दोनों घर आ गए। स्कूल में अपनी मम्मी के मेकअप की इतनी तारीफ सुनने और देखने के बाद बेबी से रहा नहीं गया। अब मुझे कुछ भी करके मम्मी की तरह मेकअप करना ही करना है। ये कहकर बेबी सोचने लगी। तभी उसे एक आइडिया आया। आइडिया, मैं मम्मी से छिपकर मेकअप करूंगी और फिर मम्मी को अपना मेकअप वाला चेहरा दिखाकर सरप्राइज दूंगी। ये सोचकर वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि मम्मी रसोई में काम कर रही है। वो सीढ़ियों से ऊपर मम्मी के कमरे में गई। मम्मी अपना मेकअप बॉक्स ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में रखती हैं। उसने दराज खोला और उसमें से मेकअप बॉक्स निकाल लिया। आज मैं भी मम्मी की तरह मेकअप करूंगी। और फिर उसने मेकअप करना शुरू किया। एक एक कर उसने लिपस्टिक, नेल पॉलिश, फाउंडेशन सब कुछ अपने चेहरे पर लगा लिया। इसके बाद उसकी नजर मेकअप बॉक्स में रखे
काजल पर पड़ी। ये काजल तो मम्मी का फेवरेट है, इसे मम्मी रोज अपनी आँखों में लगाती है, मैं भी इसे जरूर लगाऊंगी। लेकिन बेबी जैसे ही काजल लगाने लगी, काजल पलकों की जगह उसकी आँख में लग गया, इससे उसकी आँख जलने लगी। आह, मेरी आँख, काजल मेरी आँख में चला गया। वो दौड़कर बाथरूम में गई, उसने आँखों में पानी डाला, इससे काजल और बाकी मेकअप भी उसके मुंह पर फैल गया और उसकी दोनों आँखों में चला गया। आँखों में जलन के कारण वो जोर जोर से रोने लगी। रोना सुनकर मम्मी उसके पास आई। बेबी के चेहरे पर लगे मेकअप को देखकर मम्मी ने हैरानी से कहा, ये तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? मम्मी, मैं तो बस आपकी तरह मेकअप लगा रही थी। मैंने तुम्हें मेकअप से दूर रहने के लिए कहा था ना? सॉरी मम्मी, मैं तो बस आपको सरप्राइज देना चाहती थी। उसे तकलीफ में देखते हुए मम्मी ने पहले उसके मुँह और आँखों को ठीक से साफ किया, फिर उसे समझाते हुए बोली, बेबी मेकअप बड़े लोगों की चीज होती है, छोटे बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है और मेकअप में बहुत से केमिकल्स होते हैं जिससे छोटे बच्चों की स्किन खराब हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा मेकअप से दूर रहने के लिए कहती थी, और वैसे भी मेकअप लगाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिना प्रैक्टिस के मेकअप लगाने से ऐसा ही होता है। आखिरकार बेबी समझ गई कि मम्मी उसे मेकअप से दूर रहने के लिए क्यों कहती थी। उसने मम्मी से कहा, ठीक है मम्मी, मैं बड़ी होने पर और अच्छे से मेकअप लगाना सीखने के बाद ही मेकअप करूंगी। इस तरह बेबी मेकअप के बारे में एक इम्पोर्टेंट लेसन सीख गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि छोटे बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, इसलिए उन्हें मेकअप नहीं करना चाहिए, और बड़े होने पर भी मेकअप करने से पहले मेकअप करना सीख लेना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।